नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बर्गर किंग की। इनका रिजल्ट आया है, काफ़ी बेहतरीन इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमको ज़रूर देखना चाहिए। इस रिजल्ट में हमारे लिए काफ़ी बातें हैं जानने लायक, और एक मल्टीबैगर स्टॉक शुरुआत में कैसे होता है उसकी झलक आपको बर्गर किंग अपने रिजल्ट में दिखाता है और साफ साफ बताता है कि हम एक पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक हैं। पूरा रिजल्ट देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आप वीडियो लाइक करके आगे बढ़ोगे। चलते हैं सीधे रिजल्ट पर। रिजल्ट आपके सामने है, इन डेप्थ एनालिसिस आपको देंगे, तो आप समय दीजिएगा थोड़ा सा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप सीखोगे काफ़ी कुछ। इनकम आप देख रहे हैं, यहाँ हमको एक बड़ा डेंट देखने को मिला था लॉकडाउन के कारण, वही लॉकडाउन यहाँ पर भी लगा लेकिन यहाँ पर छोटे रूप में लगा, कम समय के लिए लगा, ठीक है। और सरकार की तरफ से काफ़ी रियायत दी गई थी, इस कारण हमको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, जिस कारण यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ा। जस्ट अगर आप पिछले क्वार्टर से देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना लोग अनुमान लगाकर चल रहे थे। मतलब कंपनी ने यहाँ पर एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, 1300 मिलियन की बात हो रही थी, यानी कि 120-130 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर देखा जा रहा था, लेकिन वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी ने हैंडल किया और बढ़िया तरीके से 150 करोड़ का रेवेन्यू करके हमको दिखाया। ये डेटा मिलियन में है याद रखिएगा, जिस कारण यहाँ पर हम इसको एक अंक पीछे आकर करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। अदर इनकम लगभग फ्लैट है, इन्वेस्टमेंट वगैरह से जो पैसा आता है उसको आप हटा दीजिए। टोटल इनकम आप देखिए 1535 करोड़, 2000 करोड़ के एक सौ तिरपन करोड़, 200 करोड़ के मुकाबले एक छोटी कंपनी है भाई, मल्टीबैगर ऐसी ही छोटी कंपनियाँ होती हैं। यहाँ पर मात्र 41 करोड़ का रेवेन्यू आया था, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब सबसे ज़रूरी इस कंपनी के लिए क्या है, खर्चा। कंपनी खर्चा कितना कर रही है वो देखने लायक चीज़ होती है, क्योंकि कैपेक्स, ये जो मल्टीबैगर कंपनियाँ होती हैं शुरुआत में जो लॉसेस करती रहती हैं, हर कंपनी ज़रूरी नहीं लॉस ही करे, बहुत सी ऑफकोर्स ये बात है 70-80-90% कंपनियाँ प्रॉफिट वाली होती हैं जो शुरुआत से आगे बढ़ती हैं, लेकिन क्योंकि इनको जिस बिजनेस पे भरोसा है वही ये कर रहे हैं, उस बिजनेस का एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड इनके पास डेटा है अन्य देशों से, इसलिए इंडिया में ये इतना एग्रेसिव होकर रोल कर पा रहे हैं, इतना एग्रेसिव होकर गेम खेल रहे हैं। जोमेटो भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं, हर जगह इन्होंने ट्राई किया है और हर जगह सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए इंडिया में भी ये इतना एग्रेसिव होकर के कि हम कमाएंगे भले 150 करोड़ लेकिन खर्च हम 200 करोड़ करेंगे, एक्स्ट्रा 50 करोड़ यहाँ पर हम कमाएंगे, 200 करोड़ खर्च करेंगे 220 करोड़, समझ रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने खर्चा इनका कंट्रोल नहीं हो पाया था, क्योंकि इंप्लॉयज़ वगैरह को सैलरी भी देनी पड़ी थी, फाइनेंस कॉस्ट तो रहेगी ही, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स तो होंगे ही, तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखोगे 27 करोड़ यहाँ, 21 करोड़ यहाँ, 31 करोड़ यहाँ, तो इनका खर्चा अंडर कंट्रोल हुआ नहीं था। वही चीज़ लगभग अगर यहाँ आप देखोगे फाइनेंस की कॉस्ट इनकी कम हुई है, जो कि एक बढ़िया तरीके से बचत करने में इनकी काफ़ी मदद की है, ठीक। मात्र 197 करोड़ रुपये इनका खर्च हुआ, यहाँ पर 219 करोड़ से काफ़ी कम है। रेवेन्यू के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि खर्चा इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, रेवेन्यू यहाँ के कंपेरिजन में बढ़िया बना है, यहाँ के कंपेरिजन में कम बना है, तो यहाँ से ऑफकोर्स ये बात है रेवेन्यू बढ़ा तो हमारा जो लॉस है वो भी कम होगा। अब लॉस आफ्टर टैक्स पे चलते हैं। लॉस फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे मात्र 44 करोड़ का हुआ है, 80 करोड़ के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन जंप है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था, अब आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, 5 करोड़ रुपये यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम आए थे, तो आप उनको अगर एक बार के लिए इग्नोर भी कर दोगे तो भी लगभग रिजल्ट यहीं पर रहेगा, कुछ खास उसमें चेंज होगा नहीं। रिजल्ट हमने देख लिया, ओवरऑल सिनारियो में कितना पैसा हर शेयर के पीछे ये लॉस ले रहे हैं वो भी आपको दिखाना बनता है। 1.16 रुपये पिछली बार मात्र 68 पैसे था, और पिछले साल के इस क्वार्टर से जो कंपेरिजन करना बनता है, थोड़ा सा साइक्लिकल चीज़ें चलती हैं खाने पीने वाली, तो वहाँ के कंपेरिजन में काफ़ी बेहतरीन इंप्रूवमेंट है, तो ये शेयर जहाँ पर है वो प्राइस ये बिल्कुल अभी के सिनारी में कम से कम डिजर्विंग प्राइस अपने आप को बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ये सभी स्टॉक्स, चाहे जुबिलियन फूड हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे ये होंगे वेक्टर फूड होगा, ये सब बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको एकदम क्लियर अपनी जो राह है वो पता है, उनको पता है कि हमको क्या काम करना है, उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ें अंडर कंट्रोल आएंगी, और ऐसे बिजनेसेस काफ़ी कम होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि सबके लिए मल्टीबैगर हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो वही है, मैनेजमेंट का रिस्क,
कभी मैनेजमेंट में उतार चढ़ाव हो गया तो काफ़ी डेंट हमको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को भरोसा मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा है। समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब चलते हैं इनकी प्रेजेंटेशन पे, जो कंपनी ने बहुत बेहतरीन करके दिखाई है। आपको जरूर, मतलब कुछ देखो ना देखो, बर्गर किंग की प्रेजेंटेशन जरूर देखो। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन करके दिखाया है। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर ये लगा जो ये स्टोर एक्सपेंशन वाला प्रेजेंटेशन करके दिखाए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2015 में मात्र इंडिया में 12 स्टोर थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद 2016 में 50, 2017 में 88, 18 में 129, 187 2019 में, 260 2020, 265 2021। ये पहले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, क्वार्टर वन की, ठीक है, पहले क्वार्टर की। यहाँ पर 5 स्टोर ओपन किए गए, 270 पे पहुँचे। अब फाइनेंशियल ईयर 2022 की एंडिंग तक 320 इनका प्लान है, फिर 2023 की एंडिंग तक 390 और 2024 की एंडिंग तक 470 स्टोर्स। ये मामूली एक्सपेंशन नहीं है भाई साहब। अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे ना तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर आप लगभग लगभग कितना परसेंट हो गया, मोर देन 70%, 70%, मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर आप नंबर्स के टर्म्स में देखोगे तो 200 स्टोर्स ज़्यादा खोलेंगे, जो कि हाँ 70% के आसपास बैठता है। ये कमाल है, मतलब आने वाले यहाँ 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 तीन सालों के अंदर कितना 70% तो स्टोर में ग्रोथ होगी इनके। उसके अलावा अन्य भी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, एक्सपेंशन प्लान अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2022 में देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर डॉट्स देखिए, ये टोटल कितने डॉट्स हैं आपने वहाँ पर देखा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये टोटल 270 डॉट्स हैं, और यहाँ पर आपको 700 डॉट मिलेंगे, यानी कि 700 जगहों पर रहेंगे ये। तो ये पूरा इलाका ये कब्जा करेंगे, ये देख रहे हैं, ये पूरा इलाका क्या मस्त इनका कब्जा होने वाला है यहाँ पर। बाकी इस एरिया में भी ये काफ़ी रहेंगे। ये बीच का इलाका क्यों छोड़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ वालों ज़रा बताओ, आप सब बर्गर किंग वालों को कुछ बोल दिए हो क्या, मतलब गाली वाली देते हो क्या वहाँ पर पहुँचते ही, अरे भैया बर्गर किंग वाले आ गए, भागो 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 यहाँ से। एक्सपेंशन प्लान इनका बढ़िया है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी ये अपनी जो दिखा रहे हैं काफ़ी, मतलब कहते ना कि अगर ऐसा हो गया तो स्टॉक एक क्लियर मल्टीबैगर है भाई साहब। हर 3 साल में पैसा डबल करने वाली स्कीम है ये। FD में 12 साल लग रहे हैं इस वक्त, 12 साल, और यहाँ 3 साल में पैसा डबल करने वाली स्कीम है आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाकर बर्गर किंग का स्टॉक खरीद लो, लेकिन जो कंपनी अपने प्लान बता रही है उसको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। क्या कंपनी ऐसा करके दिखाएगी या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है अन्य देशों में ये काम इन्होंने करके दिखाया है, तो काफ़ी बेहतरीन जो इन्होंने ये काम किया है प्रेजेंटेशन वाला, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहाँ पर 251, ठीक है, 251 क्या है, टोटल ओन ऑपरेशनल स्टोर एट एग्जिट। ये क्या बता रहे हैं, ये ADS होना चाहिए, एवरेज डेली सेल, हाँ यही 251 रुपये की, 220, 208, 244, 248, बढ़िया इंप्रूवमेंट है, बढ़िया बढ़िया है, स्ट्रांग मंथ ऑन मंथ रिकवरी, तो काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर भी इन्होंने प्रेजेंटेशन करके दिखाया, एक बार हम इसको कर लेते हैं, हाँ वही ADS की बात हो रही है, एवरेज डेली सेल की बात हो रही है, तो ठीक है 200 रुपये लोग खर्च कर रहे थे, अब 250 खर्च करने लगे, अच्छी बात है। नीचे आते हैं, ये वेस्ट रीजन की बात हो रही है, और थोड़ा सा हाँ यहाँ पर हम रहते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर आप देखिए, ओवरऑल सिनारियो में 551 करोड़ 67 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कम हुई है, पिछले क्वार्टर से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेरिजन बनता है, वहाँ पर भी लॉकडाउन था, एग्जैक्ट कंपेरिजन तो वहाँ से भी नहीं बनता, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में अगर सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं तो हमको कंपेरिजन ऐसे ही करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या नहीं। बाकी ऊपर नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है। प्रॉफिट यहाँ पर कहने की बात है, बाकी कंपनी तो अभी हमारे सामने लॉस ही पेश करके रखी है, क्योंकि ये सारा पैसा अपनी ग्रोथ पे खर्च कर रहे हैं। तो आप ज़रूर पढ़िएगा यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। जो ये ई बाइक लॉन्च कर रहे हैं ये काफ़ी कमाल कर सकती है आने वाले समय में। जोमेटो भी इसका कुछ खामियाजा भुगतेगा, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, यही होता है कॉम्पिटिशन जहाँ रहता है, थोड़ा मज़ा भी आता है, कस्टमर का एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा होता है, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बस यही थी वीडियो, आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा। इनका एक स्लोगन है, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, हम तो अभी बस शुरू कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बर्गर किंग अभी शुरू कर रहा है? भाई मुझे जो इनका बिजनेस मॉडल है ना बहुत पसंद है, स्टॉक महंगा इतना है कि लेने की हिम्मत नहीं हो पाती, अब क्या करें, दोनों में क्या सेलेक्ट करें कुछ समझ नहीं आता। कंपनी बड़ी पसंद है,
मैनेजमेंट पे भी लोगों को काफ़ी भरोसा होगा। देखो जब एक सप्लाई चेन ऐसे आगे बढ़ती है ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट उस पर आ जाता है, तो ट्रस्ट का यहाँ पर कोई इशू होगा नहीं। सारा चीज़ इस पे, सारी चीज़ इस पे डिपेंड करेगी, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कैसे रहते हैं, कंपनी कैसे अपने एक्सपेंशन प्लान को बढ़ावा देती है आगे, और तगड़ी ग्रोथ ये करके दिखाते हैं या नहीं, तो उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। बाकी जो लिस्टिंग हुई थी बहुत ज़्यादा दमदार हो गई थी, इसीलिए स्टॉक जो है एक बहुत महंगे वैल्यूएशन पे है। बिल्कुल भी हम इस वैल्यूएशन को जस्टिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से जो मोमेंटम आया प्राइस में वो बनता है, और इस रिजल्ट के बाद अगर बढ़िया मोमेंटम देखने को भी मिल जाए तो कोई वहाँ पर आपको मतलब ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि बाजार भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो ये क्यों ना जाइए, जब पहले ही 215-20 मार चुका है, फिर से जाकर मारे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गिरावट आती है या अन्य समय में, आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो मैं इस स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहूँगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस। आपको कैसा लगा रिजल्ट ज़रा बताइएगा। मुझे रिजल्ट में दो तीन बातें थोड़ी सी खटकी हैं कि कंपनी जो है, जो अपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। दूसरी चीज़, शेयर होल्डर्स के बारे में भी कुछ इनको सोचना चाहिए। बाकी शेयर होल्डर्स का लॉन्ग टर्म में हित तो ये सोच ही रहे हैं एक्सपेंशन कर करके, और अफकोर्स बात है जो यहाँ पर शेयर होल्डर बना होगा वो ग्रोथ स्टोरी पे होगा, वो कोई ऐसा नहीं कि हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें डिविडेंड चाहिए, ये सब। तो आप भी अगर शेयर होल्डर बनिए तो ऐसी कंपनी खरीद रहे हो जो लॉस में है, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म सोचोगे तो आपको घाटा हो सकता है, बाकी ट्रेडिंग में आप तो ऊपर नीचे करके पैदा पैसा कमा ही सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। नमस्कार।